हेलो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी थी। उसमें दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर थे, एक यूपी में था और एक तमिलनाडु में। हम लोगों ने बहुत तेज़ी से उसके ऊपर काम किया, उसके लिए ज़मीन चिन्हित करके उसको एक्विजिशन का प्रोसेस कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे जो बहुत जल्दी ही आ जाएगा उसके किनारे, ताकि लोगों को उसमें अपनी इंडस्ट्री लगाने में और इंडस्ट्रीज पर पहुँचने में उनको कठिनाई ना हो, एक सुविधा हो। एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहे हैं। अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, उसमें यूपीडा भी एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, और उसमें हम लोगों ने ये निर्णय किया कि डिफेंस पीएसयूज़ के साथ मिलकर और इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर एक एक्सपो लगाई जाए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो डिफेंस पे सप्लाई होती हैं वो इंडस्ट्रीज दे सकें। देखिए, अच्छा प्रयास है, क्योंकि इधर लघु और मध्यम उद्योगों की स्थिति बड़ी ख़राब थी, और ये लगने से कुछ लोगों में उद्योग में ऐसा लगता है कि जान आएगी। और डिफेंस कॉरिडोर बनने से कानपुर के उद्यमियों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आईआईए भी इसका पार्टनर है, और आईआईए के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर के ही हैं, और आदरणीय मंत्री जी भी कानपुर के हैं। तो मुझे लगता है इसको कानपुर का को इसका फ़ायदा मिलेगा, और लोगों को इसकी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।